उन्नाव से जोड़ने वाला पुराना गंगा पुल अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में उन्नाव और कानपुर प्रशासन ने इसे वाहनों के लिए बंद कर दिया था। सिर्फ पैदल और साइकिल यात्री ही इससे गुजरते थे, लेकिन बुधवार को कानपुर की ओर से 10वीं कोठी का ऊपरी हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया गया। वहीं 5 अप्रैल 2021 को पुराने गंगा पुल की 4 कोठियों में दरार आने के कारण इसे वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसे चालू करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। वहीं कानपुर, लखनऊ और दिल्ली के विशेषज्ञों की जांच टीम भी आई। दिल्ली की जांच टीम ने बताया कि पुल की मियाद पूरी हो गई है और पुल खोलने से इनकार कर दिया। अब कानपुर की ओर से 10वीं कोठी का ऊपरी हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिसके बाद से सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10वीं कोठी गंगा की 20 धारा में होने के कारण इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी, तो वहीं मछुआरों की नज़र पड़ी तो उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस पर PWD विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की गई। पैदल पुल को भी अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वास्तव में पुल जर्जर हालत में है, यदि यातायात के लिए इसे खोल दिया जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।